कहाँ जाके हमसे ढूंढो के हमने मकान बनाया जब हम कहाँ जाके यहाँ से नदी होगी बहुत वो हमारा कुछ करेगा वो हमारा कुछ नहीं कर रहा है क्या आदमी मैंने बीज बो रखा जी मारा मरा नहीं मारा कमी आ रही है रंग का जवाब सारे जाग तो बोले तक जी इन जाग तो बोले ले लगा 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 सत्ता की क्रूरता की वानगी मिसाल अगर आपको देखनी है तो आप आ सकते हैं बागपत के सिनोली गांव में। सिनोली गांव का यही वो तालाब है जहां पर बताया जा रहा है कि कल यहाँ पर बाबा का बुलडोजर चलेगा जिसके बाद यहाँ पर पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल है। 77 मकान इसकी जद में आए हुए हैं और गरीब परिवार सभी हैं। अभी देखते हैं कि इस घटना पीड़ित लोग हमारे साथ में आए उनसे बात करते हैं। क्या मामला है क्यों तालाब को जो आसपास के वगैरह ढहा जा रहा है? ऐसा है जी इसमें चल रही रंजिशन इतना काम चल रहा है रंजिशन चल रहा ये रंजिशन है हो रहा जो कुछ हो रहा है ना 70 साल तक रहते अरे कोई दिक्कत नहीं थी किसी को कोई परेशानी नहीं थी अब जो जितना हो रहा है सब रंजिशन हो रहा भला जी आपका मकान भी है। मेरा मकान जद में मेरे चाचा का मकान है जिस पर हम खड़े मेरे चाचा का मकान है यू भी इसी जद में इस पर भी रंजिशन इस पर भी कार्रवाई हो रही है। आपको दिखाना चाहूँगा यही वो मकान है इधर के आसपास के लगभग चारों तरफ कैमरा पर्सन लगा पर कैमरा घुमाए अपना और दिखाए कि किस प्रकार जो गरीब परिवार उनके मकान इसमें जद में आए हुए क्या वर्तमान सरकार को इस मामले हस्तक्षेप करने के बाद इन लोगों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। अब देखते हैं कि सरकार इस मामले पर क्या कार्रवाई करती है। बागपत से कैमरा पर्सन समीर राणा के साथ प्रताप आर्य। दरनी हमें सारों को नहीं मोकरा लग रहा है हमें सारों की मार दो जी एक हाथ में ना जी हमें जीव दे दीजिए हमें सारों को हाथ में ना हमें तरह तरह से बच्चे सिर ढोलो का हम नहीं बढ़ाया मकान और हम अब जब कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे हम सिर ढोलो का हमने मकान बढ़ाया हम कहाँ जाएंगे यहाँ से तरह तरह से बच्चे बात हमारा कुछ करेगा वो हमारा कुछ नहीं कर रहा है क्या आदमी मैंने बीज बो रखा जी मारा मरा नहीं कमी आ रही है रंग का जवाब सारे जाग तो बोले देखो जी इन जाग तो बोले ले लगा 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 सरकार खा के लगी हमें ले जाए खा मैं भारत पर फिर जो जा चढ़ा दो फिर जो जा चढ़ा दो भारत पर कुनी चढ़ा दो बसा लो कुनी चढ़ा दो कहीं नहीं जाना हम भारत पर कुछ फिर जो जा चढ़ा दो निमस जाएंगे इसी हम हम मर जाएंगे जा कर दो क्यों न करें जा खा खा जाएंगे सर को बाकी खेत खांसी के रहेगा जा तू जा खा खेत का बार रहेगा कौन है इंटे काम है जरा जरा से मारा नहीं मारा इनकी कहीं भी मारा कहीं जा आपका नाम सुनीता है। कौन सा गाँव है आपका? सनोली। क्या मामला है जी? घर तबे घर कर लग रहे हैं सरकार मान ले बाड़क एने एने आए कहाँ जाएंगे केने केने बाड़क हैं विधवा वीर बननी है हम हमें जगह दुआ दो हम चले जाएंगे हम कहाँ रहेंगे जी बड़क घने आने हैं जाएंगे कहाँ रोड पे पड़ गए हैं और मान ले केने केने बड़क हूँ कहाँ जाएंगे लेकर विधवा वीर बनी हूँ। ये आपका नाम? जी रीटा है जी। क्या सरकार से क्या चाहते हो आप? सरकार से बस यही चाहे कि हाथ जोड़ के कि हमारे घर बच जाए किने किने से बच्चे हमारे मेरा आदमी क्या अटक आया जी और पैसे लेकर मैं उधार ब्याज पे दिखा रही हूँ जी बच्चों को लेकर कहाँ जाओ कहाँ नहीं ये बताओ सड़क पे आ गया हम ये बताओ कहाँ जाओ बच्चों को लेकर और मेरा बीमार आदमी है उसको हार्ट अटैक आया ब्याज पे लेकर मैं पैसे लगा रही जी ये बताओ मैं कहाँ जाऊँ बच्चों को लेकर अपने आदमी को लेकर ये बताओ कहीं तो कुछ दो हमें रहने के लिए ये बताओ कहाँ पढ़ू मैं बच्चों को लेकर इन सब को लेकर ये बताओ सड़क पर खड़ी मैं। कितने परिवार है टोटल यहाँ पे जिन पे बताया गया कि बुलडोजर चलेगा? 77 है जी 77 है जी हम तो भेजी हमारा ना कहीं जगह भी कहीं जगह नहीं रहने की जी कहने के लिए कहाँ जाके
आ जागे सड़क पर जाग तू लेके मरना कई जगह लड़की आ जागे मुँह देख तू सड़क से खड़े खेने के जा कर माँ तो ब्याह ब्याह रहा घर में लुंडी का ब्याह रहा कहाँ सी करेंगे जाकर पूछा तो फैदा गए लो मकान कहा सामान ले जा कहा भूसगी रहेगा कहा इंदा गुरु ले जा इन्हें बर्बाद हो उसमें तरक में जब इतना ही काम करना है तो सरकार इस बात को सोचा है गरीब आदमी कहाँ जाएगा के जागरूक होगा कहाँ जागरूक बैठाओगे एक आदमी गाँव में पागल है उसके गैल सब पागल हो गए ठीक है जी।